हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे और बैठ के अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो ये जो सारे गिफ्ट्स आप लोग देख रहे हो, ये है लड़की वालों की साइड से जो कि लड़के वालों को दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर वो सब भी जो गिफ्ट्स हैं वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, ऐसा कोई लेने देने वाला कोई मतलब ऐसा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मेरी फूफी जान ले रही हैं, देख सकते हैं आप लोग जो जो लेगा मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे चाचा चाची को गिफ्ट दिए थे उन्होंने, उसके बाद में मेरी एक और चाची हैं उनको दिए, मेरी बड़ी मम्मी, जो भी हमारी साइड से फैमिली मेम्बर थे, हमारे खास खास पर्सन जो भी आए थे हमारे साइड से, उनको ये सारे गिफ्ट दिए गए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो दुल्हन है उसके साथ में उनकी सारी कजन सिस्टर्स फोटो क्लिक करवा रही हैं। और ये मेरी बड़ी अम्मी के बेटे हैं और उनके दोस्त भी आए हुए थे। और ये मेरी बड़ी मम्मी हैं। तो अभी इन्होंने अपनी पूरी सेफ्टी की है, यहाँ पे मास्क लगा लिया है और बस यहाँ पे अभी फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। और आप सभी लोगों से ये सारी सिस्टर्स हैं जो कज़िन सिस्टर्स हैं वो सब हाय कर रही हैं। तो सारे प्रोग्राम तो कंप्लीट हो ही चुके थे, अब जो गिफ्ट देने की आती है बस वही चल रहा है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गिफ्ट दे रहे हैं तो ये सब अपनी खुशी से ही दे रहे हैं वो लोग, हम लोगों ने कोई भी डिमांड नहीं की है कि हमारे लिए ऐसा करना या वैसा करना। हम लोगों ने तो सिर्फ उनकी लड़की मांगी है कि हमें सिर्फ अपनी लड़की दे दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो भी उनके, और फिर लड़कियों का नसीब होता है भाई, एक बात तो ये भी है नसीब होता है, जहाँ पे शादी होती है वहीं पे ही सारे चीज़ें होती जाती हैं। तो ये जो गिफ्ट हैं इनका तो हो चुका है, लेकिन अब मेरे ससुर जी के लिए यानी कि हमारे पापा जी के लिए, आशीष बाबा जी के लिए और भैया के लिए भी है। और ये जो भी प्रोग्राम किया है उन्होंने सब कुछ अपनी खुशी से किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था माशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आया था। तो आप लोग ऐसा कोई भी बैड कमेंट मत करिएगा कि हम लोगों ने कहा है उनसे या किसी को फोर्स किया है करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस काफ़ी सारे रिश्तेदार हमारे चले गए थे, जैसे कि बड़ी मम्मी वगैरह, भैया और चाची हमारी, वो सब चली गई थी। हमारी नानी नहीं आई थी और हमारी खालाएं नहीं आई थी एक भी, मेरी चार खाला हैं। तीन खाला नहीं आई थी, तो उनके गिफ्ट हैं और ये नानी का गिफ्ट आप लोग देख सकते हैं। और ये है गिफ्ट जैकी भाई का,
लेकिन मेरी खाला की लड़की आ गई थी, ये है इकरा, ये मेरी खाला की बेटी है। और अभी बारी आती है फैजू की, तो फैजू को भी गिफ्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी के लिए और पापा के लिए दोनों के लिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और ये मम्मी के इयररिंग्स हैं जो उन्होंने गिफ्ट दिए थे, और ये पायल। तो यहाँ पे सारा प्रोग्राम हो चुका है और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। ठीक है ना, हैंड वॉश करना जरूरी था इस टाइम, इस टाइम की बहुत बार कर चुका हूँ, तो हैंड वॉश करना चाहिए। तो विशाल भाई आ रहे हैं। तो होटल का यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पे खाने का सभी इंतज़ाम किया गया था। तो बस हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। और ये मिलिए दुल्हन की सिस्टर से, ये सिस्टर्स और ये कज़िन सिस्टर है। तो बस यहाँ पे अभी सभी लोगों का खाना पीना शुरू हो चुका है और अभी मैं भी आऊँगी, खाना खाऊँगी, जैकी भाई मुझे खिलाएंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी थी, चाची, चाचा और जो भी गांव से आए थे पापा की साइड से, तो वो सब लोग जा चुके हैं खाना पीना खाने के बाद। तो बस अभी हम लोग खा रहे हैं खाना यहाँ पे, और ये बैठा है फैजू। तो यहाँ पे बिक्की भाई अपने लिए खाना सर्व कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनका शूट कर लिया है। और ये देखो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे आप लोगों को हाय कर रहे हैं। और मैं खाला से पूछ रही थी चाचा कहाँ है, तो चाचा ये कोने में जाकर बैठ गए थे बिल्कुल। तो चाचा आप लोगों को बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये है लड़की वालों की साइड से। और यहाँ पे हैं ये दोनों समधी, मेरे पापा और मेरी भाभी के पापा। और ये हैं मेरे खालू भी हैं, मेरे मामू भी हैं, जो कि आप लोगों को हाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खाना, और वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना था, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। तो यहाँ पे नॉन वेज खाना चल रहा है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा था वेज खाना। और यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी होने वाली भाभी की मम्मी दोनों ही बैठी हुई हैं। तो मम्मी हमारी इंतज़ार कर रही थी इनके आने का, कि मैं इनके साथ में ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मम्मी का एक रिलेशन भी है, ये मम्मी की बहन लगती हैं, एक रिश्तेदार ही हैं हम लोग भी। तो बस यहाँ पे दोनों बहनें बैठकर खाना खा रही हैं और मामू को भी खिला रही हैं, मामू भी खा रहे थे। और यहाँ पे हम सभी लोग खड़े हुए हैं। तो खाना पीना तो हो चुका है भाई, और अब चलते हैं हम अपने वाले रूम में, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तो हमारा जो भी सामान है हम लोग उठा लेते हैं वहाँ से, और फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। तो बस यहाँ पे हम चारों बहन भाई की मस्ती चल रही है, और यहाँ पे ये भी हैं, दूल्हा भाई भी हैं। तो यहाँ पे बिक्की भाई सभी को ईदी दे रहे हैं। भैया हमें भी ईदी मिली है। तो सभी लोगों ने अपना अपना सामान पिक कर लिया है, और अब जा रहे हैं हम लोग दुल्हन से मिलने के लिए, उसको टाटा बाय बाय बोलने के लिए। तो वो अपने रूम में बैठी हुई थी यहाँ पे। तो ये है दुल्हन की चाची। और ये जो ब्लैक सूट में है, ये है मोमानी। तो इनके घर हम लोग पहले भी जा चुके हैं, तो ये बोल रहे थे हाँ बुलबुल आई थी हमारे घर पे, तो बस वही बातें चल रही हैं। और बस अभी हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए।
तो बाहर तक हम लोगों को छोड़ने के लिए आई हैं ये। और होटल का नाम था होटल सेलिब्रेशन, तो यहीं पे ये सारा सब कुछ प्रोग्राम रखा गया था। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही हैं कि जब अच्छे से घर पहुँच जाओ तो मुझे फ़ोन करके बता देना है, और अच्छे अच्छे से जाना, धीरे धीरे जाना, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छे से बस घर पहुँच जाना। तो बस हम लोग अभी निकल दिए हैं अपने घर के लिए, शिपरी के लिए, और रास्ते में ही लवलीवाज जी का घर पड़ता है तो उनको वहाँ छोड़ देंगे और फिर सीधे हम लोग सिपरी के लिए निकलेंगे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ग्वालियर में, पसीना इतना ज़्यादा बह रहा था हम लोगों का, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं सिपरी के लिए। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर यानी कि शिवपुरी में, और बस हम लोग वहाँ से शाम के 7 बजे चले थे और अभी हम लोगों को आते आते 8:30 बज चुके हैं। भैया ने गाड़ी बहुत फास्ट चलाई, बहुत अच्छी स्पीड में चलाई है। वैसे तो नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं ना ग्वालियर, तो ग्वालियर तक ही हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन भैया ने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है तो हम लोग फटाफट से आ गए हैं। और बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो तो ढेर सारे लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना, और अभी जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सकेगी। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज़।